हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक सभी को। मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो आज है ईद और सुबह हो गई है, बहुत सारा काम है, तो मैंने सोचा फट से पहले मैं वीडियो बनाती हूँ, फिर उसके बाद काम करती हूँ, फिर आपसे मिलती रहूंगी दिन भर थोड़े थोड़े समय पे। तो सारे लोग नमाज के लिए जा चुके हैं, जितने भी गांव के आदमी होते हैं सभी लोग जाते हैं। ईदगाह थोड़ी दूर पर है, एक आध किलोमीटर दूर पर, तो सभी लोग जा चुके हैं नमाज के लिए। तो नमाज मेरे घर के रास्ते से ही लोग जाते हैं, तो इस वजह से मैंने सब सेवैयाँ वगैरह सब लगा दिया है, ताकि नमाज़ पढ़ के जब लोग आते हैं तो सबसे पहला घर मेरा पड़ता है साइड में, तो इधर ही लोग आ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट सब कुछ लगा देती हूँ, ताकि लोग आएँ तो बस पानी वानी तुरंत पी लें। तो ये सब लग चुका है, अब नहाने जा रहे हैं हम। गाइस, मैं अभी नहाने जा रही हूँ और सारा काम हो गया, खाना भी बन गया और बहुत सारे लोग आए, सेवई वही सब लोग खा के चले भी गए और खाना बन के तैयार हो गया, लेकिन मैंने अभी खाया नहीं। मैंने सोचा मैं नहा लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, फिर उसके बाद खाना खाती हूँ। और एक कपड़ा मेरा तो टेलर के पास से आया ही नहीं, मेरा नायरा सूट, तो उसको मैं शाम को पहन लूँगी। तो फिलहाल मैं दूसरा सूट पहन लेती हूँ जो अम्मी मुझे बनवाई थी रमज़ान से पहले ही। तो चलते हैं, पहले फटाफट तैयार हो जाते हैं, फिर आप सभी से मिलते हैं। मेरी एजल भी नहा के तैयार हो गई है और अम्मी फटाफट उसको कपड़े पहना रही हैं, तो मेरी बाबू भी अभी तैयार हो जाएगी। अले सोना बेटा रे, अले 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 अले, कितना नया 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 अजल, नया नया देखे तो अजल, अजल देखे तो, अजल देखे तो, अले 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 अले, चेहरा देखे थोड़ा सा देख। ओहो ओहो, तो गाइस मैं अभी नहा धो ली हूँ और मैं तैयार हो रही थी, लगभग तैयार हो चुकी हूँ, सिर्फ बाल बनाना बाकी है। तो मैंने सोचा फटाफट मैं तैयार हो लेती हूँ, क्योंकि दोपहर होने वाले हैं और घूमने भी जाना है। मेरा ननिहाल ददिहाल सब यहीं पे है, पास में ही है, धानापुर में ही है। तो मैं अभी अपने दादी के घर की तरफ जाऊँगी, छोटे पापा के तरफ उनके घर या बड़े पापा के घर। तो और मेरी खाला भी हैं, उनके घर जाना है, और ससुराल भी गाँव में है तो वहाँ भी जाना है। तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ, तो पूरा दिन निकल जाएगा इधर उधर घूमने फिरने में। और कुछ लोग गांव के आते भी हैं, मेरी फ्रेंड्स वगैरह सब लोग आएंगी ईद मिलने। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ, तो मैं थोड़ी देर में निकलूंगी यहाँ से, घर से एक दो लोग और रहेंगे तो फिर हम लोग घूमने जाएंगे। तो फिर आपसे हम कुछ देर बाद मिलते हैं। तो गाइस, नमाज हो गए ईद के और आप सभी लोगों को ईद मुबारक मेरी तरफ से, इनके चैनल पे मैं भी आप लोगों को मुबारक दे देता हूँ, मुबारकबाद। मेरे तरफ से भी आप सभी को ईद मुबारक हो और बहुत बहुत मुबारक हो। और एक दुख की बात यह है कि इनका नायरा जो है वो फिटिंग नहीं हो पाया है, टेलर ने नहीं दिया, तो इनको दूसरा कपड़ा पहनना पड़ा। ये कपड़ा वही है जो अम्मी मुझे गिफ्ट की थी, तो ये वही सूट है। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं इसी को पहन लेती हूँ। तो गाइस, अभी हम लोग तैयार हो गए हैं और घूमने जा रहे हैं, और मेरी लाडो भी तैयार हो गई है इधर। अजल देखे तो, मेरी अजल भी तैयार हो गई है, बाबू भी, और हम सभी लोग घूमने जा रहे हैं। चलो तो फिर अभी घूम के आते हैं, तो फिर आप सभी से मिलते हैं। अभी हम लोग अपने मोहल्ले में घूम रहे हैं, इधर तीन चार लोग के घर जाना है, फिर उसके बाद अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना है। इधर मेरी फ्रेंड का घर है गुलाबसा का, तो मैं अभी यहाँ जाऊँगी, अपने फ्रेंड से मिलूँगी, फिर उसके बाद इधर से एक दो फ्रेंड के यहाँ और जाना है, फिर उसके बाद हम चलेंगे अपने ख़ानदान में, अपने चाचा के यहाँ, अपने बड़े पापा के यहाँ। तो इधर सबके घर हम लोग हो लेते हैं फटाफट, फिर उसके बाद चलते हैं अपने ख़ानदान में घूमते हैं। फिर अभी हम लोग भाभी को भी लेके जाएंगे घूमने के लिए। मेरे घर के सामने ही, जैसा कि आप लोग देखे हैं, खेत होते हैं, तो इधर से जब हम लोग घूम के जाएंगे तो भाभी का घर, भाभी के खाला का घर है, हम लोग के घर के थोड़े से आगे खेत में है थोड़ा सा। तो अभी हम लोग इधर से जब घूम के जाएंगे तो थोड़ा भाभी को लेंगे, भाभी को लेके भी हम लोग थोड़ा सा खेत साइड घूमने जाएंगे। तो गाइस, अभी हम लोग इधर घूमने आए हैं, मोहल्ले में घूम लिए, मोहल्ले में घूमने के बाद हम लोग इधर खेत में घूम रहे हैं। ईद वाले दिन सोचा थोड़ा खेत में भी घूम ले, तो अभी हम भाभी भी के साथ आए इधर घूमने के लिए। लोग देख सकते हो इधर बच्चे भी हैं और इधर सिर्फ खेत। फाइनली घर आ गए हम लोग और बहुत थक गए, बहुत तेज धूप थी इस वजह से ज्यादा घूम भी नहीं पाए। और अजल उधर है, आ नहीं रही अभी, रास्ते में उधर खड़े। अजल आओ इधर, आ जल्दी आओ। तो फाइनली अब घर आ गए, घर चलते थोड़ा आराम करते हैं, शाम को आप सभी से मिलते हैं। तो गाइस, हमने सोचा कि क्यों ना आज ईद के दिन हम लोग थोड़ा सा बाइक में भी घूम लेते हैं। तो अभी अभी हम लोग निकले हैं थोड़ा सा बाइक में घूमने के लिए, तो अजल के पापा भी हैं, उन्हीं के साथ हम लोग जा रहे हैं, और अजल आगे बैठी हुई है और मैं माही पीछे बैठी हूँ। और गाइस, ये देख सकते हैं आप, बारिश हो रही है और मौसम काफी बिगड़ चुका है। इधर देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा मौसम बिगड़ चुका है, बारिश भी हो रही है। और इनका जो फोटो खिंचवाने का मन था, तो फोटो नहीं खींच पाएंगे हम लोग, और आप देख सकते हैं इधर। तो चलिए फटाक से घर भागते हैं।
अभी काफ़ी दूरी पे आ चुके हैं हम लोग, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे हैं। तो चलिए पहले चलते हैं घर, फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइज हम लोग का तो घूमने का प्लान था, मैंने सोचा बाइक से थोड़ी दूर घूम के आते हैं, तो बाइक से घूमने में बहुत मज़ा भी आता है। लेकिन अभी हम लोग 2 ही किलोमीटर आगे गए थे तब तक बारिश होने लगी और हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हुई, फिर बारिश तेज़ होने लगी। बच्चे भी साथ में थे, ऐजल थी, माहिन थी, तो हम लोग सोचे फटाफट घर भागते हैं। और मैंने इनसे बोला कि चलिए फ़ोटो दो चार रास्ते में क्लिक कर लेते हैं, लेकिन ये बोले आते समय तो बारिश होने लगी, इस वजह से फ़ोटो भी हम लोग क्लिक नहीं करवा पाए। तो अभी फटाफट घर आ चुके हैं, एकदम घर के पास है, तो चलते हैं अंदर क्योंकि बारिश तेज़ हो रही है, यहाँ भी भीग जाएगी। हम लोग चलिए फटाफट चलते हैं। मैं वीडियो बनवाता हूँ ऐसे करके। ओ और बारिश हो रही है, गोला भीग रहा है, बोलो गोला। गाइस मैंने सोचा कि दिन भर में फोटो क्लिक नहीं कर पाई, शाम हो गया और एक भी फोटो क्लिक नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अभी बाहर बच्चों के साथ 2-4 फोटो क्लिक करवा लेती हूँ। लेकिन इतनी तेज आंधी चल रही है, इतना तेज हवा है कि मैं फोटो भी क्लिक नहीं करवा पा रही हूँ। लेकिन मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, तो अभी सारे बच्चे भी घर से बाहर ही, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक दो फोटो ले ही लेती हूँ बच्चों के साथ। तो चलते हैं फटाफट, एक दो फोटो बच्चों के साथ ले लेते हैं। इतना तेज हवा चल रहा है कि पूछ ही मत, बहुत तेज हवा है और आप देख सकते हो पीछे इतना तेज धूप, आई मीन धूल उड़ रहा है, धूप खत्म हो गया एकदम और बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रही है, आँख में भी धूल पड़ रहा है, आँख खोलने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। लेकिन मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा मौसम है। फोटो खिंचवाएगा इधर जल्दी से अनु। हाँ तुम फोटो, अरे तुम भी चश्मा लगा ली क्या? अरे रीवा भी बहुत चला के, अरे जल्वी, अरे बब्बू भी चश्मा लगा लिया, देखे तो सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। तो हम लोग का घर एकदम बाहर है और धूल मिट्टी रोड से बहुत ज्यादा घर के अंदर चला जाता है, तो बच्चे बहुत चालाकी करते हैं, चश्मा लगा लेते हैं। और ये आ गई अन्नू जी, अन्नू का भी चश्मा, अन्नू का तो दबंग वाला चश्मा है भाई, देखे तो अन्नू, देखे तो बहुत अच्छी लग रही है, एजल एजल भी अच्छी लग रही, ये भी अच्छी लग रही, रीवा भी अच्छी लग रही, एजल भी बहुत प्यारे लग रहे हैं सभी लोग। मुर्गी तुमको बुला रही है, नहीं काटेगी, नहीं काटेगी, भागा भागा इधर चलो। तो गाइस मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा अपने ससुराल भी हुआ हूँ, सुबह से कई बार फोन भी आ चुका है घर से, तो मैं अभी आधे घंटे में निकलूंगी, एजल की दादी के घर जाऊंगी, आई मीन अपने ससुराल। तो अभी एजल के पापा आए नहीं है, उनको कॉल करूंगी और उनको बुलाऊंगी कि आइए फटाफट, फिर उसके बाद एजल की दादी के घर चलते हैं, वहाँ से होके आते हैं तो आपसे भी मिलते हैं। तो गाइस अभी 6:30 बज चुके हैं और मैं अभी छत पे आई हूँ, ऊपर वाले छत पे, और बहुत ही अच्छा ठंडा हवा चल रहा है और दिन भर तो हम लोग बहुत घूमे इधर उधर मोहल्ले में। तो अभी मेरी कुछ फ्रेंड्स आई हैं मुझसे मिलने, तो मैं आप लोगों को उनसे मिलाती हूँ, चलिए फिर मिलाती हूँ। रूबी ये रूबी है, फ्रेंड्स की बहन है और मोहल्ले के लोग हैं। नाम बताओ अपना, नाम बता दो, बुसरा और गुलशन, हेलो बोल दो सबको। हेलो गाइस। तो गाइस जैसा कि आपने देखा, कुछ लोग थे मेरे मोहल्ले के, तो लोग शर्माते हैं थोड़ा वीडियो में आने से और हिचकिचाहट होती है सबसे ज़्यादा, लोग चाहते हैं कि वीडियो में आए लेकिन शर्माते भी हैं और हिचकिचाहट तो सबके अंदर होती है। और पहली बार तो कोई भी वीडियो में आता है तो थोड़ा सा शर्माता है, और पहली दूसरी बार क्या, जब भी कोई वीडियो बनाना भी स्टार्ट करता है तो कितने टाइम लग जाते हैं उसको फ्रेंकली होने में। तो गाइज अभी मैं, रात का टाइम हो चुका है और मैं अभी अपने रूम में आई थी, रेस्ट भी की थोड़ी देर, तो मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो बना के इन कर देती हूँ, और बहुत ज़्यादा मेहमान आ गए थे शाम को इस वजह से, और लगता है आज वीडियो एडिट भी नहीं हो पाएगा, कल एडिट करेंगे तो हो सकता है कल शाम तक मिले या जब भी वीडियो आप सभी को मिले, थोड़ा लेट हो सकता है वीडियो मिलने में। तो गाइज आज की वीडियो भी इतना ही, आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई, ऊपर से गेस्ट भी आ गए रात में। तो गाइज मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए के साथ, लेकिन आज का वीडियो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स और अपनों को। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।